जन्माई जे टूरियों जन्माई जे टूरियों बाले कोरिया रनानियों। सुभाषिश बहुत काम इंपेशेंट है और मैं उसकी थोड़ी सी अपोजिट हूँ, मैं बहुत पैनिक करती हूँ चीज़ों में। तो सुभाषिश वो चीज़ मुझे वो मुझे इम्प्रूव करते हैं इन अ वे। तो मैं भी आजकल बहुत चेंज हो गई हूँ उनके चक्कर में, मैं बहुत शांत रहना सीख गई हूँ, तो ये सुभाषिश की वजह से। मतलब स्टार्टिंग में भी उनको स्कूटी में घूमना पसंद था, अभी भी उनको घूमना पसंद है, फिर लेकिन नहीं मूवी देखने के लिए तो टाइम निकाल देना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीज़ें ना मेरे लाइफ में बहुत मैटर करती है बैलेंस करने के लिए। तो सी इज द वन की नहीं जो अंजलि जी करती है, बैलेंस करती है मेरे लाइफ को। ସେ ତ ଛୁଆ ବେଳେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟରୁ ଖାଲି ବୋଉ ହେଇକି ପଛେ ପଛେ ବୋଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁବେଳେ ବୋଉ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି। ଏବଂ ତା'ର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ମିଛ କହିବନି, ସବୁବେଳେ ସତ ପଥରେ ଯାଏ ଏବଂ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ବି ଦିଏନି, କାହାକୁ ରାଗିକିରି ମୋତେ କୁହେନି। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ। बचपन में सीधे सिंपल एकदम ऐसी सिंपल सी लड़की थी, बोलती नहीं थी बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं, हमको तो लगा ही नहीं रहा था कि इतनी ऊंचाई पे जाएगी करके हमारी लड़की। कि बाहर लोगों को शान दिखाना है, घर वालों को तो फिर आफत मचा देना है, वो वैसा ही है बंदा। तो ऐसा शान नहीं है, वो बहुत चालाक है। ऐसा तेरा रंग चढ़ा है ना आए मुझे कोई रंग पसंद, ऐसा तेरा रंग चढ़ा है ना आए मुझे कोई रंग पसंद। अंजलि का बचपन से ही काफी मतलब वो थी, शाय टाइप की थी, मतलब ज्यादा वो इंटरेक्शन नहीं था, बट वो बाकी एक्टिविटीज में मुझसे ज्यादा थी। बट वो एजुकेशन में भले ही मुझसे पीछे हो पर बाकी एक्टिविटी में मुझसे काफी ज्यादा थी। ऐसा तेरा रंग चढ़ा है ना आए मुझे कोई रंग पसंद, ओ हो ऐसा तेरा रंग चढ़ा है ना आए मुझे कोई। हम लोग फ्रेंडली बहुत ज्यादा फ्रेंड्स की तरह ही बड़े हुए हैं, तो लगा नहीं है वो छोटा बड़ा ऐसा कुछ लगा नहीं है। पर हाँ जब बड़ा हुआ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद थोड़ा थोड़ा सा लेता है वो। पहले बचपन में रोता था बहुत ज़्यादा, किसी भी फंक्शन में जाता था, तो अब वो इतना नहीं है, उसको खुद भी समझ में आता है कि कहाँ चुप रहना है, क्या क्या बोलना है, उतना है सेंसिबल हो गया है थोड़ा। कभी तो सोचूं खुद ही कह दूं जो भी चाहता हूं, खुद ही की आदत से मजबूर खुद ही हो जाता हूं। मैं मन में ही कहता रहा मुझको तू थाम ले, मैं मन में ही कहता रहा अपना बना भी ले, करती तू क्यों। सबसे मेरा सबसे बेस्ट हेल्दी मोमेंट जो मुझे उठाए थे कोई रंग पसंद, ओ हो ऐसा तेरा रंग चढ़ा है।
इज़ अ परफेक्शनिस्ट. She cannot adjust on 19. She wants everything to be 20 and perfect. So she will go extra every extra mile in order to get that perfection in her life. So hello friends, welcome back to our channel. This is Haldi Ceremony. DJ Subhashish, ऐसा कुछ नाम लगा था. And rapper Anjali. Rando. वाह वाह वाह, मैं यही सुनती हूँ 3 तारीफ. खत्म. अच्छा तू चल बता. वाह 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 वाह. तेरे हवाले है ये ज़िंदगी मेरी. तेरे उजाले से सब राहें हैं यहाँ. अपने नसीब का मैं बादशाह नहीं. तू मेरी शाम है, तू ही मेरी सुबह. तूने कहा मैंने सुन लिया. 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 हम दोनों बिजनेस पार्टनर के साथ साथ लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! 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 400 is up to goal. Can you make some noise for them? Kya baat hai ye, but who found you? You look like a fairy. So ye fairy ko kisne dhoonda? मेरा वो बर्थडे था एंड सुभाषीष कुछ प्लान कर रहे थे और मुझे सुभाषीष से कोई होप नहीं थी क्योंकि वो कभी कुछ चीज़ें सही से प्लान नहीं कर पाते. जो करती हूँ मैं करती हूँ. उनको मैंने पर्सनली कमरे में अच्छे से सजा कर उनको मैंने प्रपोज किया था नीस पे आके. एंड फिर उन्होंने मेरे लिए पूरे बीच के साइड में पूरे मेरे को ब्लाइंड करके पूरे मस्त से प्रपोज किया था, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था 1 या 2 साल पहले. उसका बात है क्योंकि मैंने उनको बार बार बताता था कि नहीं मैंने आपको प्रपोज किया लेकिन आपने कभी किया नहीं. तो वो कम्प्लीटली मेरे लिए सरप्राइज था एंड वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट हुआ था. संगीत तो बहुत सही था, बहुत मजा आया. काफी उनका परफॉर्मेंस बहुत सही था, अमेजिंग था. गेट रेडी फॉर इट. गेट रेडी फॉर इट. गेट रेडी फॉर इट. दिस इज इट. दिस इज इट. Yeah, finally all of us getting together on the stage and having fun, right? I mean, never expected Subhashish also to come on stage and dance like that. Yeah, that was really nice. And I also like the drums. It was really nice. Yeah, I mean, so when you see the drums from a distance, you feel like, hey, why are they dancing so much, right? But when you go near the drums, you also start getting there. Right? So that was funny. इसमें ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको लाइक याद रह जाएगा ये मोमेंट? हाँ, सुभाषीष का डांस मुझे याद रहेगा. जब भाभी का डांस था और सुभाषीष उसको देख रहा था, जिस तरीके से वो देख रहे थे, मैंने पूरा कैप्चर भी किया, मैं ब्लॉग में भी डालूंगा अपने. दैट वाज ब्यूटीफुल.
सज के जगमग जुगम सहर दिल अथ धड़का हाँ। ओ छत टप के मुंडे आए कब के तू भी रात नु जला दे छन बन के निकल जा बर्बाद है जो गुजरा ना पल तेरे साथ है ओ मित्र मेरे सब छोड़ के जो पकड़ा यू तूने मेरा हाथ है मैं लुटे खड़े खड़े सीने बिच यारा गला तेरिया करे छिड़कानिया है रेडी होना है तो जो भी बन सकता था हम दोनों में से हम लोगों ने किया एंड बहुत ही अच्छा था मतलब जो पीरियड चल रहा है हल्दी हुआ संगीत हुआ पहले प्रैक्टिस किए मैं कभी डांस नहीं किया हूँ आप अभी देख रहे हैं मतलब देखेंगे फुटेजेस तो आपको पता चलेगा मैंने पहले कभी डांस नहीं किया है कोई भी फंक्शन के अंदर तो ये हो जाता है मतलब बाय हार्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो चीज़ें हो ही गई मिट्टी मिट्टी तेरी साडे दिल नू लगे शैतानिया है ओ सीने विच यारा गल्ला तेरिया करे छिड़खानिया है ओ मिट्टी मिट्टी तेरी साडे दिल नू लगे शैतानिया है काले टिक्के लगा मैं तू ओ मेरी अखां दे तारे नू लग जावे नजर जे कहीं ते मैं मर जानिया है सीने विच यारा गल्ला तेरिया करे छिड़खानिया है ओ मिठी मिठी तेरी साडे दिल नू लगे शैतानिया है सीने विच यारा गल्ला तेरिया करे छिड़खानिया दीदियों का भी बहुत सारा डांस था पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डांस किए उन्होंने पूरा नीके डांसेस थे मैक्सिमम हाँ अरे तभी वही कोरियोग्राफर से वही डांस कर लेते थे तुरंत बैकस्टेज अभी एज अ कपल तुमको कैसे लगे बहुत बेस्ट है कपल काफी अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं फॉर ईच अदर है दोनों बढ़िया दोनों मस्त दोनों तालमेल तालमेल बहुत अच्छा जमता है दोनों एक मेक को समझ रहे हैं बस यही हमको बहुत खुश standing together and fighting the whole world that we are the perfect ones for each other is the biggest part mere hisab se wo kehte na agar tumne hard time dekha hai kisi ko bhi ka to acche time pe tum uske sath rahoge so it is bound to happen so dono ne sath mein sabse bura samay apne life ka dekha hai to they are bound for made for each other अंजलि माला तू खूब आवडते सुभाषीष और अंजलि खुश रहे हमेशा यही इच्छा है हमारी अंजलि सुभाष को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और ये जैसे आज है वैसे कल परसों तक आखिरी तक वैसे खुश रहे बस यही मेरी अंतिम You.
एक्चुअली वो छोटा है सबसे, तो कभी लगता ही नहीं है बड़ा हो गया, तो अब फील हो रहा है कि बड़ा हो गया जो शादी हो रहा है, तो अच्छा फील आ रहा है खुद की मेंबर और एक ऐड होंगी, वो भी बहुत प्यारी है बहन ही, मतलब ऑलमोस्ट बहन टाइप हम उसको देखते हैं छोटी बहन, क्योंकि वो छोटा है हमारे घर से, तो कभी बड़े कोई मेंबर आ रहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वो लेंगे, वो फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि कुछ भी हो लगता है कि कोई छोटी बहन है तो उसको बहुत प्यार से रखेंगे, ऐसा फीलिंग आता है, तो और एक मेंबर ऐड हो रहे हैं उसका खुशी अलग है, बट अभी इससे पता भी चल रहा है कि ये बड़ा हो गया है और छोटा नहीं है, तो वो थोड़ा सा लगता है कि ना जल्दी टाइम चला गया। अब तो आ रहा सदा सार ही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ, अब तो आ रहा सदा सार ही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। और अभी उसके 12 चल रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी वरमाला का टाइम है, सो हाउ आर फीलिंग? मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पहुंचना था, मैं रो लाजूंगी, आप मुझे रो रहा रहे हो। ओ, अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, 2-3 घंटे में हम लोग अभी शादी करने वाले हैं, एंड मोस्ट प्रीसियस मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि दोनों फैमिली मर्ज हो रहे हैं एंड हैप्पीली मर्ज हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि किसी के मन में कुछ है, एंड आपके लिए स्पेशली अंजलि जी, मेरे मन में ना 1% डाउट है ना कभी था, एंड आने वाले टाइम में आई डोंट नो कि सिचुएशन कुछ भी होगा, वी गोइंग टू बी टुगेदर, एंड आपको कोई चीज़ें कभी मुझे मांगे नहीं है, कभी कुछ चीज़ें आपने कभी शेयर नहीं किया है, बट आई मेक श्योर कि नहीं जो भी मेरे तरफ से मैं कर पाऊँ, एंड आप बिना बोले मैं कर दूंगा। पुहर बाहर रहूँ मतलब बहुत खुशी लगुच दिगंदाक बाहर शांति रही पारे खुशी हेल्ले मैं बहुत खुशी बहुत भी गर्व भी अनुभव कर पारे। हर टाइम मालूम है दोनों अच्छा चलेगा, क्योंकि सुभाष जी झंझट वाला आदमी नहीं है, अंजलि भी नहीं करेगा, दोनों सलामत रहेगा, जगन्नाथ प्रभु उस पर दुआ करेगा, वही है मेरा विश्वास। जय जगन्नाथ। जय जय। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी। अंजलि मैं खूब एक्साइटेड आए, कारण तू माझी बाई को होना रे, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। मैं आपके साथ पहले भी थी और हमेशा रहूंगी। चांद ने भगवान से चांदनी मांगी, फूल ने भगवान से खुशबू मांगी, जब भगवान ने हमसे हमारी रजा पूछी तो हमने तोहफे में आप दोनों की खुशी मांगी। कांग्रेचुलेशंस एंड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या बात है। सो हाय सुभाषिश एंड अंजलि, और एस यू आर फॉन्डली कॉल्ड सुभांजलि, विशिंग अ हैप्पी हैप्पी मैरिड लाइफ। सो ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ यू, यू नो इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट यू नो यू बोथ आर टुगेदर एंड वी हैव सीन बोथ ऑफ यू ग्रो टुगेदर। I'm gonna love with you.
मैं सुभाषिस भाई को बोलना चाहूंगा भाई मचाते रहो भाई थोड़ा हंस भी दे Congratulations. And he's always smiling. Congratulations and always be like this. Wishing you all the best, man. Larger than life. She's pretty. God bless the couple. All the best. मोस्ट अवेटेड मोमेंट कौन सा आपका उनको मंगलसूत्र पहनाना अरे ओ महिरण्यवरणम हरिणिम सुवर्णम रजतास्वजाम मोमेंट फेरे के लिए अभी तक फिलहाल फेरे के लिए वेट कर रहा हूं अंजलि के क्योंकि वो शायद एक मतलब काफी इमोशनल फीलिंग है वो हां कि विदाई होगी बहन की करके फाइनली तो हर भाई की इच्छा होती है कि उसकी बहन अच्छे घर में जाए तो इसलिए फाइनली उसी के लिए वेट कर रहे हैं अभी पूरे शादी में सबसे इमोशनल वाला मोमेंट कौन सा होगा ये जो रात में जो फेरे होते हैं और लव्स हम सुने कहना चाहिए जो जुबान लड़की भी विदा होती है तो थोड़े से लगता है ना भाव खो जाता है इंसान